उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने वाहन चोर गिलोह का खुलासा करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 कारें बरामद की गई हैं, जिसमें दिल्ली निवासी उसका एक अन्य साथी अमित भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि यह लोग मुजफ्फरनगर के अलावा NCR के कई जनपदों से वाहन चोरी करते थे, जिसके बाद चोरी के वाहनों के फर्जी कागजात बनाकर वाहनों को बेच दिया करते थे। पुलिस को काफी लंबे समय से इनकी तलाश थी। मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए जनपद के SSP ने वाहन चोरी के आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम का गठन किया था, जिसमें कामयाबी हासिल करते हुए शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जो लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने भोपा रोड से एक मुखबिर की सूचना के आधार पर इस वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर चोर की निशानदेही पर 5 चोरी की कार सहित एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। ये कल मंडी पुलिस द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। इन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि दिल्ली का एक गैंग जो है वो चोरी की गाड़ी लेके आते हैं और यहाँ पे उन्हें उनके कागजात बनवा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बेचने का काम करते हैं। कल चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पे 5 गाड़ियां 4-व्हीलर बरामद किए गए। उसके खिलाफ वाहन चोरी के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट।